हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड इशिता गुप्ता, योर सोशल स्टडीज एजुकेटर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं बहुत सारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, दैट विल बी अराउंड हिस्ट्रीज चैप्टर सेवन, नो नो चैप्टर सिक्स, सॉरी चैप्टर सिक्स, टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। हम ये चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है? एक एक चीज को हमने खोल खोल के पूरा पढ़ लिया है, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। व्हाट टुडे वी आर डूइंग इज, हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। नाउ व्हाई क्वेश्चन डिस्कसिंग क्वेश्चन आंसर इज इम्पॉर्टेंट, और आप कहोगे कि मैम इतनी इतनी बड़ी वीडियो जस्ट एक क्वेश्चन आंसर के लिए, तो वो इसलिए बिकॉज मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराती हूँ, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाती हूँ, थोड़े बहुत आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रहते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, और आई फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। ओके, आपको जो है आप समझ लेते हैं चैप्टर, आप अच्छे से उसको समझ लिया, आपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, याद भी है, लगभग सारी डेट्स याद है, सब कुछ याद है, बट वेन यू राइट आंसर इन योर एग्जामिनेशन यू डोंट नो हाउ टू राइट एंड यू डोंट नो वॉट टू राइट, ठीक है ना? मतलब कि आपसे क्वेश्चन कुछ पूछा गया है कि एक्सप्लेन दिस एंड दैट, और आप उसके दूसरे पॉइंट एक्सप्लेन कर आ गए, तो वहाँ टीचर, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द टीचर टू गिव यू मार्क्स, ठीक है ना? वी कैन नॉट लाइक हम स्किप नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स को, हम स्किप नहीं कर सकते एग्जामिनेशंस को, ठीक है? हम पढ़ाई कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, आई नो दैट, बट एग्जामिनेशंस आर समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर स्कूलिंग एंड ऑल्सो आर लाइफ, ठीक है? तो कह सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? और आपके मार्क्स बेसिकली कहाँ कटते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन में नंबर कट जाते हैं, ठीक है ना? आपको याद भी होगा पर आप लिख नहीं पाओगे, आपको आपको बहुत सारी आपने एडिशनल डेट्स याद कर ली हैं फॉर एन इम्प्रेसिव आंसर, पर आपको पता ही नहीं चल रहा कि मैं वो डेट को कहाँ जो है एडजस्ट करूँ आंसर में, कि टीचर को पता चल जाए कि मैं उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ और उसी डेट से डेट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, मुझे डेट पता है, ठीक है? तो आप बेसिक बेसिक लिख के आ जाते हो जितना आपको याद आता है, तो ये चीज़ जो है ये खराब है, इसको ही हमें ठीक करना है ना? और SST रट्टा मारने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है? आपने किसी बारे में कुछ पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपने याद रख लिए, बस आपको पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरे बड़े बड़े दो दो तीन तीन पेज के आंसर्स रटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज SST डू नॉट वॉन्ट दैट, ठीक है? वो चाहती है कि आप अपने जो है सराउंडिंग्स से वाकिफ हों, आप अपने आसपास देखो, अपनी हिस्ट्री पहचानो, अपनी ज्योग्राफी पहचानो, अपनी पॉलिटिक्स पहचानो, ठीक है? तो जो हमारा चैप्टर आज का है हम उसमें यही डिस्कस करेंगे, हम पूरा का पूरा चैप्टर जो है डिटेल में समझ कर आए। थोड़ा सा चैप्टर कॉम्प्लेक्स रहा, मतलब नॉट लेक्चर कॉम्प्लेक्स, चैप्टर जो है वो बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी लैंग्वेज हो सकता है आपको फर्स्ट रीडिंग में समझ में ना आए, ठीक है ना? तो आप एक बार पूरा चैप्टर खुद से पढ़ो, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है अभी भी, तो भी वो एक दिन में चैप्टर, एक दिन का चैप्टर है, यू कैन डू इट। व्हाट यू हैव टू डू इज ओपन द बुक, रीड, जस्ट एक फर्स्ट रीडिंग दे दो, और जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं ना, लाइक नॉट द नाउन्स, जस्ट द डिफिकल्ट वर्ड, उनको अंडरलाइन करके उनकी मीनिंग्स लिख लो सबसे पहली बात, ठीक है? मीनिंग्स लिख लिए, उसके बाद डू वॉच द वीडियोज, ठीक है? दो वीडियो हैं इस चैप्टर की, पहले पार्ट वन एंड पार्ट टू, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, दोनों एक उसमें नहीं आए, तो आई हैड टू डिवाइड, तो दोनों पार्ट्स की वीडियो देखो, उसके बाद फिर से रीड करो, ठीक है ना? और अगर चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो, वट यू कैन डू इज ओपन द बुक एंड देन वॉच द वीडियो, ठीक है? बीच बीच में पॉज कर करके देखते रहो कि जो भी एक एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा दिया, एक पैराग्राफ के बाद खुद रीड करो, देखो समझ में आता है कि नहीं, ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग विच यू शुड डू फॉर रीडिंग स्पेसिफिकली SST, ठीक है ना? SST जो है आप रट्टा मारने में निकाल देते हैं, एंड रट्टा इज नॉट द वे, ठीक है? आप अगर रट्टा मारते रहेंगे तो नहीं आपका जो है काम होने वाला है हिस्ट्री में, तो स्पेसिफिकली ज्योग्राफी, सिविक्स में तो रट्टा मारने कुछ होता ही नहीं है, ज्योग्राफी में एक बार को फिर भी हो सकता है आपका रट्टा मारने से तो है काम चल जाएगा, क्योंकि उसमें फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं, राइट? हिस्ट्री में उतनी ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें नहीं है, उसमें आपका स्टोरीज कह सकते हो कि स्टोरीज है, मसौलीपट्टनम ऐसा था, हम्पी ऐसा था, सूरत में ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना? फिर ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से शुरू किया, क्यों वो इंडिया में आई, तो ये जो है ये कहानियों की तरह से पढ़ा जा सकता है, इसमें कुछ रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है ना? आप अपने इंडिया के बारे में देख रहे हैं, दो तीन चीज़ें, दो तीन जगह ऐसी हैं जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी और फॉरन जो है कंपनीज इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आई और यहीं बैठ गई, यहीं बस गई, यहीं पर लूटा, यहीं पर जो है सब कुछ किया। एनी वे दैट्स समथिंग विच इज़ डिफरेंट,
नाउ व्हाट आर वी सपोज टू डू, हमें क्या करना है? अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक दोनों वो वीडियोस नहीं देखी है, उसको चैप्टर का कोई अता पता नहीं है और वो चाह रहा है कि बस किसी तरीके से क्वेश्चन आंसर जो है मैं याद कर लूँ देखकर वीडियो को, तो नो, डू नॉट डू दैट, बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है. ठीक है, आपके पास सारे जो है पुराने लेक्चर्स हैं, आप उन्हें देखो. ठीक है ना, आई स्टार्टेड माई कोर्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 बिकॉज दैट वॉज समथिंग विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू डू राइट नाउ. ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो सबके एग्जाम्स वगैरह के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के टाइम. ठीक है ना, जैसे ही हम लोग 10th चैप्टर 11th चैप्टर कंप्लीट करेंगे, विल स्टार्ट विद विल डू फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर एज वेल. ठीक है ना, तो फिर उसके बाद एक क्रोनोलॉजी में हम लोग जो है पढ़ते जाएंगे, उसके बाद भी रिविजन चलता रहेगा नॉन स्टॉप. ठीक है, टेस्ट एंड क्विजेस विल बी ऑल्सो देयर, विल ऑल्सो बी देयर. Now what I want you guys to do is open your books and then sit. ठीक है ना, वीडियो है, आप पॉज कर सकते हो, बुक्स ले आओ, नोटबुक्स ले आओ और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है नोट्स बनाते चलो. ठीक है ना, रट्टा नहीं मारने पर हाँ आपको पता होना चाहिए, जैसे जैसे 2-3 बार अपने आप लिखोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा. एंड कीप रिवाइजिंग दैट, ओके, कीप रिवाइजिंग दैट. ऑल राइट, सो दिस इज समथिंग अबाउट मी, 3 years of teaching and a writer and a poetess as well. Also, I'm a learner. ठीक है, आपकी तरह बहुत कुछ सीख रही हूँ मैं और बहुत कुछ आगे भी सीखती रहूंगी because that's what my main motive is. ठीक है, learning जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, वो चलती जाती है. आप जैसे जैसे सीखते जाते हैं आप आगे बढ़ते जाते हैं. If you have stopped learning, you'll stop doing. So stop being a know-it-all type of a person. ठीक है, कोई फायदा होने वाला नहीं है उससे. पढ़ते जाओ, समझते जाओ, सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओगे. ठीक है, दिस इज समथिंग अबाउट अन अकेडमी. यू गाइज नो इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म हो चुका है, राइट, एंड बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे क्लासेस के लिए अवेलेबल हैं. क्लासेस के बाद भी, इवन आफ्टर 12th, यू हैव अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, SSC एंड ऑल, UPSC, NEET, IIT, एवरीथिंग, CLAT, CAT, MAT, CTET, everything, for everything, an academy provides you courses with different educators, right? Years and years of experience के हैं वो educators, तो आप उनके साथ बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. So I would recommend you to go for the subscription. ठीक है, subscription के अलग फायदे हैं, right? Okay. There are 2 types of subscriptions. Iconic, which is new. उसमें आपको personal mentor मिलेगा. ठीक है, parent connect आपके पास होगा. Your parents will know what are you learning, कितना कैसे पढ़ रहे हो, सब उन्हें पता होगा. So एक honest पढ़ाई के लिए, if you are you actually are learning for yourself and not for anybody else. ठीक है ना, कई बार जो है बच्चे पढ़ते हैं मम्मी को दिखाने के लिए कि मम्मी मैं इतनी देर पढ़ लिया, अब मैं फोन ले लूँ, अब मैं लैपटॉप ले लूँ, अब मैं इतना खेलूँ, अब मैं उतना खेलूँ. सो यू आर नॉट लर्निंग फॉर द लैपटॉप और योर फोन, यू आर लर्निंग फॉर योर सेल्फ. अगर आपको ये पता चल जाता है बहुत अर्ली एज में तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना आपको बाद में रिग्रेट होगा डेफिनेटली, राइट. तो पेरेंट कनेक्ट जो है आपको मिलेगा, लाइव डाउट सोल्यूशन यू हैव, लाइव व्हाट इज देयर इन लाइव डाउट सोल्यूशन, अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू सॉल्व योर सब्जेक्ट डाउट्स, गेट कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, ऑब्वियसली. ठीक है, लाइव डाउट सोल्यूशन में आप हाथ के हाथ अपने डाउट्स पूछो, हाथ के हाथ आपको आंसर मिलेगा, राइट. तो दूसरे वाला सब्सक्रिप्शन जो है दैट इज प्लस, और उस प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स इस वाले आइकॉनिक में, राइट. सो दिस इज माय फेवरेट. एनीवे, सो डेली लाइफ क्लासेस आर देयर इन प्लस. ठीक है, स्ट्रक्चर कोर्सेज हैं आपके पास पढ़ने के लिए, बहुत सारे डिफरेंट टाइम उसके हिसाब से, 6 महीने का अलग कोई कोर्स होगा, 1 महीने का कोई अलग कोर्स होगा. एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर 7th स्टैंडर्ड, एनीबडी हु सीइंग जो है उसके पास ऐसे कोर्सेज हमारे पास है सारे कोर्सेज के लिए. लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आर देयर, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइक कहीं से भी कितना भी देखो, सो दैट इज देयर इज नो बाउंडेशन ऑन दैट. सो टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स यू हैव, बहुत सालों का एक्सपीरियंस होल्ड करने वाले लोग हैं, तो दे नो वट वट हाउ टू हैंडल यू गाइज इन योर स्टडीज, तो इट विल बी फन रीडिंग विद दैम, राइट, लर्निंग विद दैम. नाउ कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस वी हैव फॉर साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज एज वेल नाउ. ठीक है, तो सोशल स्टडीज जो है एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे आप बहुत ज़्यादा घबराते हैं, तो वो घबराना अब नहीं है. ठीक है ना, वो घबराना अब नहीं है, तो आप जो है अच्छे से मस्ती से पढ़ाई कर सकते हैं और बुक खोल के बैठो आराम से मस्त और पढ़ाई करो. ठीक है ना, इफ आई सो दिस इज द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन पर भी आपकी रेगुलर क्लासेस होती रहती हैं. ठीक है, क्विजेस वगैरह जो है एप्लीकेशन पर बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ जो है आप कर सकते हो. यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द क्लासेज एंड एवरीथिंग, राइट. नाउ टेलीग्राम एप्लीकेशन इज ऑल्सो देयर, सो डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड जो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वो क्लिक करो और ज्वाइन कर लो ग्रुप फटाफट से, राइट. इफ आई टॉक अबाउट अ लिटिल अबाउट द सब्सक्रिप्शन, इफ यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी, जो 6th क्लास के बाई चांस बच्चे देख रहे हैं,
ठीक है, वो जो है इन दोनों सब्सक्रिप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी सबसे पहले, और बहुत कम पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है ना, पूरे साल भर के ओनली 15,000, दैट्स वेरी लेस। ओके, सो कैसे भी आपके पास बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स होंगे, बहुत सारे डाउट सेशंस होंगे, नए नए टीचर्स कोर्सेज लेके आती हैं, सबका आपके पास एक्सेस होगा। एंड फॉर द पीपल हु डू नॉट हैव दैट मच टाइम, दे कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर 1 month पीरियड, फॉर 4 month पीरियड ऑल्सो देयर, ठीक है ना। तो ये आप प्राइसेस देख के घबराओ मत, इशी 10, द कोड इज इशी 10, यूज दिस कोड एंड यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट, एंड द फाइनल प्राइस ऑफ योर कोर्स इज आर ऑन योर स्क्रीन, ठीक है ना। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। सो चैप्टर का नाम है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, ठीक है ना। ऑल राइट, सो व्हाट ऑल डिड वी लर्न, वी लर्न अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, हमने ये सब पढ़ा, ठीक है, दिस वॉज इन द पार्ट वन। पार्ट टू में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हम्पी के बारे में, हमने पढ़ा मसूलीपट्टनम के बारे में, ठीक है, कैलकटा में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनीज जो है वो आई, और उन्होंने तो ब्लैक टाउन व्हाइट टाउन हमने सब पढ़ा, ठीक है ना। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है, तो आपको अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं व्हाट एवर इज योर डाउट, ठीक है ना। आई मोस्ट प्रोबेबली ट्राई टू यू नो रिवर्ट बैक। ओके, नाउ ये हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स मतलब के ऐसे सेंटर्स जहाँ पे बैठ के जो है राजा अपना कोर्ट चलाता था, जहाँ से राजा जो है ऑर्डर्स देता था, बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एनीथिंग विच इज एडमिन, जहाँ पे भी एडमिन होता है, राइट। आई गेव यू दैट व्हाट्सएप ग्रुप एग्जाम्पल, सो दैट एग्जाम्पल, राइट। मैं अभी बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जा सकती हूँ बिकॉज ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने लगूंगी तो मेरे 3-4 घंटे यहीं निकल जाएंगे, राइट। सो क्वेश्चन आंसर्स नहीं हो पाएंगे। तो इफ यू गाइज वॉन्ट, इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द चैप्टर, जस्ट गो बैक एंड वॉच द वीडियोज, टाइप टाइप टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन एंड यू विल गेट एवरीथिंग देयर। ओके, सब कुछ डिटेल में एक एक चीज, एक एक लाइन अच्छे से समझाई हुई है, वहां जाके पढ़ोगे एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा, करेक्ट। मूविंग ऑन, तो यहाँ पे थंजावुर एक विलेज था, एक टाउन था जिसके बारे में जो है हमने डिस्कस किया था, उसके उसके अराउंड टेम्पल्स थे, उसके अराउंड वहीं पे राजा जो थे वो रहते थे, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड कॉमर्स हुआ और वहाँ पे जो है अर्बनाइजेशन हो गया, एज इन कि वो छोटे से विलेज से बहुत ज़्यादा बड़ा एक टाउन बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंटर बन गया, ठीक है। तो वो कैसे कैसे बना, कैसे कैसे ट्रेड हुआ, सब कुछ हमने देखा था, राइट। मूविंग ऑन, तो दिस इज अ मैप जो आपकी आपकी पूरी प्रेजेंटेशन में बार बार आएगा, और ये मैप आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आप बिल्कुल भी इसमें इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीन, तो स्पेशली इन तीनों के बारे में आपको डेफिनेटली जो है क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऐसा हो ही नहीं सकता है इन तीनों से क्वेश्चन आपसे आपका ना पूछा जाए, ठीक है ना। नाउ ओके, सो दिस वॉज समथिंग अबाउट कॉमर्स इन थंजावुर, ठीक है ना। थंजावुर में कॉमर्स जो होता था उसके बारे में है। ये आपका जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक से एक कैसे मूर्तियां बनाई जाती थी, ये आई टोल्ड यू, ठीक है ना। टेम्पल टाउन्स में क्या हुआ, टेम्पल टाउन्स मतलब ऐसे टाउन्स जो टेम्पल्स की वजह से डेवलप हुए हैं, दोज टाउन्स आर रेफर टू एज टेम्पल टाउन्स। नाउ थंजावुर वॉज वन ऑफ देम बिकॉज वहाँ पे राजा राजेश्वर टेम्पल जो है वो बना हुआ था, उसके अराउंड जो है लोगों ने प्रीस्ट टाइप, ठीक है, पंडित आए, आर्टिसंस आए, और क्राफ्ट पर्सन आए, ट्रेडर्स आए, वहाँ पे आते थे और पूजा वगैरह करते थे, और पिलग्रिम एक वो बन जाता है, ठीक है ना, पिलग्रिमेज सेंटर टाइप बन जाता है। वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, श्रद्धा भाव से अपने हिसाब से डोनेट वगैरह करते हैं, तो उस पैसे से भी जो है डेवलपमेंट होता है आसपास। तो ये हम सब ने जो है डिटेल में क्लियर किया था, सो दिस इज अ पिक्चर। नाउ नॉट ओनली थंजावुर बट अ लॉट ऑफ अदर टेम्पल्स, लॉट ऑफ अदर स्टेट्स, अ लॉट ऑफ अदर टाउन्स डेवलप बिकॉज ऑफ टेम्पल्स, राइट। नाउ पिलग्रिमेज टाउन्स भी हैं, वृंदावन है, तिरुवनामलाई, ठीक है, इनमें भी जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। सेम तीर्थयात्री आते हैं और वहाँ पूजा पाठ करते हैं अपना, वहाँ पे जो है पंडित वगैरह, आर्टिसंस वगैरह, ज्वेलरी, क्राफ्ट वगैरह सब रहता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। ये आपका पुष्कर जी का लेक है, बहुत ही होली लेक माना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे पुष्कर में आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। ब्रह्मा जी का कोई और कहीं पे मंदिर नहीं है, जस्ट दिस इज द वन एंड ओनली मंदिर हियर, सो दिस इज समथिंग विच वी लर्न एक्स्ट्रा, ठीक है ना। एंड स्मॉल छोटे छोटे टाउन्स, छोटे छोटे जो है विलेजेस कैसे जुड़े हुए थे आपस में, ये हमने डिस्कस किया मंडी के द्वारा, ठीक है, मंडपिका के द्वारा, मार्केट्स के द्वारा, हाट के द्वारा, राइट। इन सब के इन सब की वजह से जो है ये लोग कनेक्टेड थे, छोटे बड़े टाउन्स जो है सब कनेक्टेड थे,
ठीक है ना, कैसे ट्रेड होता था सब कुछ हमने देखा था, टैक्सेस टैक्सेस कैसे लिए जाते थे, वी सॉ दैट। और जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जितने भी ट्रेडर्स हैं वो बड़े ट्रेडर्स होंगे, ठीक है ना, छोटे बहुत छोटे छोटे भी ट्रेडर्स होते थे, बट बड़े बड़े ट्रेडर्स भी होते थे। सो एवरीथिंग लाइक दैट, गिल्ड्स बनाते थे, ठीक है, एक ग्रुप में चलते थे, राइट। ओके, नाउ दिस इज समथिंग विच इज विच आई पुट यू पुट फॉर योर रेफरेंस, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे इस चैप्टर में सी का बहुत ज्यादा एक रेफरेंस आ रहा है, मेडिटेरेनियन सी के अराउंड जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ यूरोप में। आपके यूरोपियन ही बेसिकली आए थे इंडिया, ठीक है ना, राज करने एंड एवरीथिंग, ब्रिटेन बेसिकली, दैट्स इन यूरोप। सो वहां से लोग आए थे अपनी कंपनीज ले लेके, और थ्रू सी रूट ही आए थे, ठीक है ना। पूरा पहले ऐसे आए थे, ऐसे आके, और यहाँ पे सूरत से इन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया था, ठीक है ना। अब वो हम आगे देख रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि यहाँ से बाद में स्विस कैनाल एंड ऑल बनी, तब जाके थोड़ा रूट जो है आपका छोटा हुआ, अदरवाइज पहले जो है बहुत दिक्कत से पूरा पूरा घूम घाम के आना पड़ा था। सो दिस इज समथिंग विच इज मेंशन इन योर बुक अगेन एंड अगेन। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए, एक पूरा सीन बताने के लिए आपके मैंने सी वाला और ओशियन वाला जो है मैप डाला, ताकि आपको समझ में आ जाए थोड़ा सा, है ना, थोड़े इंपॉर्टेंट सीज एंड ओशियंस। गल्फ वगैरह इसमें मेंशन नहीं है, पर गल्फ के लिए मैंने अलग डाला है, तो टेंशन नॉट, ठीक है ना। दिस इज अबाउट काबुल, काबुल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान की कैपिटल है आज की डेट में भी। सो उस टाइम भी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टाउन हुआ करता था, वहाँ पे हॉर्सेस वगैरह का ट्रेड होता था, ठीक है ना। क्राफ्ट्स इन टाउन, सब क्राफ्ट का क्या क्या सीन था वो सब हमने पढ़ा, बहुत सारी कम्युनिटीज, बहुत सारी चीजें थी। तो ये एक इमेज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, कैंडल स्टैंड है ये, इस पर कितनी अच्छे से नक्काशी की हुई है, देख लो, ठीक है ना। दिस इज अ शॉल एग्जाम्पल, ठीक है, शॉल का एक बॉर्डर पे पूरी प्रिंट टाइप बना हुआ डिजाइन, ठीक है, इट्स रियली ब्यूटिफुल। फिर धीरे धीरे जो है फॉर्च्यून बदलता गया, फॉर्च्यून क्या मतलब कि जैसे पहले बहुत ज्यादा ग्रो हो रहे थे, अब धीरे 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 जो ग्रोथ है वो कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है दबदबा बनने लगा, वो जो लोग थे वो अपना वही सेम सामान जो इंडियंस बेच रहे हैं, इंडियन से ही खरीद के, दूसरे इंडियन से ही खरीद के मार्केट में जो है सस्ता बेच रहे हैं, और दूसरे इंडियन से सस्ता कैसे खरीद रहे हैं, उनको लालच देके उन्होंने लोन दे रखा है, और वो सब एक टेक्निक उनकी पूरी पॉलिसी थी, विच वॉज देर इन, हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, मतलब हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, ठीक है ना। हम्पी, हम्पी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखी थी, ठीक है, स्टेट कैसे कैसे उनकी जो वॉल्स हैं वो बनी हुई, कैसे फोर्टिफिकेशन हुआ हुआ है, ठीक है ना। एवरीथिंग वी सॉ द कॉर्बल एग्जाम्पल, ठीक है, कॉर्बल्स क्या होते हैं, इसे वॉल से बाहर निकले हुए काइंड ऑफ 3D पिक्चर्स कह सकते हो, इमेजेस कह सकते हो, ठीक है ना। ये आपका एक कॉर्बल का एग्जाम्पल है, दिस इज अ कॉर्बल, ठीक है ना, वॉल से बाहर आ रही है बेसिकली पिक्चर, है ना, ये कॉर्बल, ये कॉर्बल, राइट। सो दिस कॉमर्स कैसा था हम्पी में, हमने ये देखा था, ठीक है, एक फोर्टिफाइड सिटी थी, एक इंस्क्रिप्शन बताता है। टेम्पल्स कैसे थे वहाँ पे, एक प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिला था जहाँ पे महानवमी के त्योहार पर जो है राजा जो है क्या करता था, उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के, पूरा बहुत ही हाई प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे डांसेस वगैरह होते थे, तो वो प्लेटफॉर्म पे बैठ के डांसेस वगैरह देखता था, और पूरा कार्यक्रम वो जो है वहां से देखता था, ठीक है ना। ओके, सो दिस वॉज अ चैरियट। सूरत के बारे में भी डेट, सो ये बार बार आपको मैप आता रहेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, सूरत और हम्पी, ये हो गए आपके बीच में है, थोड़ा सा देख लो, हम्पी है ना यहाँ पे बीच में है ना, सूरत इज बिल्कुल कोस्ट पे है ना, अरेबियन सी के बिल्कुल कोस्ट पर है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चीज हो जाती है गल्फ ऑफ खम्बात में, ठीक है ना, कि यहाँ से ही सारे ट्रेडर्स आ रहे हैं, यहीं पे अपना जो है इन्होंने ट्रेड जमाना शुरू किया, शिप्स वगैरह धीरे धीरे रुकनी, और यहाँ पे यहीं पे वेयर हाउसेस बन गए, क्योंकि इंडिया से कोई ट्रेड कहीं, इंडिया से कोई यूरोप जा रहा है कुछ बेचने के लिए तो यहीं से जाएगा, यूरोप से कोई इंडिया आ रहा है कुछ बेचने, या अफ्रीका से कोई कुछ आ रहा है बेचने तो यहीं से आएगा, है ना। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सोमनाथ में अभी ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो सूरत एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज बन जाती है आपकी गुजरात में। मसूली पटनम आएगा आपका, क्योंकि सूरत जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगेगा, वो सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो गेटवे टू द वेस्ट सूरत बहुत ज्यादा, लाइक तीनों में सबसे ज्यादा लगभग कह सकते हो कि सूरत वॉज इम्पॉर्टेंट ऑन इट्स पीक, ठीक है ना। तो ये गल्फ ऑफ जो है ऑर्मुज से कह सकते हो, यहाँ पे आपका है, ये देखो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ से पूरा ट्रेड हो रहा है और यहाँ आ रहे हैं, है ना, हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं पूरा। मसूली पटनम आ जाता है आपका, अगेन दैट मैप कम्स, ठीक है ना। न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स जो है डेवलप हुए, कैसे डेवलप हुए, इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अब आ चुकी थी इंडिया में, उसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स तक बना लिए थे, ठीक है ना। उसने अब जो है नॉट ओनली द ट्रेड दे वांटेड, दे अब जो है वो पॉलिटिकली भी खेल रहे थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसमें भी खेल रहे थे माने कि प्ले, दे वर नॉट प्लेइंग, दे वर खेलना माने कि अब दे वर डीलिंग विद पॉलिटिक्स
एंड दे वर डीलिंग विद एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल. उन लोगों ने अपने नीचे जो है कुछ कुछ क्राफ्ट पर्सन को खरीद लिया बेसिकली, उनको लोन दे दिया और उनसे बोला कि आपका आप लोन ले लो हमसे, मेरा वो गरीब है वो ले लेंगे, आप लोन ले लो और फिर हम ही को ही आप सिर्फ हम ही को ही अपना सामान बेचोगे और किसी को भी नहीं बेचोगे, ये आपकी शर्त रहेगी. तो वो लोन लेके बंद गए. अब वही सामान जो है उन्हीं को ही बेचते थे. अब वो जो है बहुत सस्ते सस्ते में खरीदते थे और कोई सामान वो और किसी को बेच नहीं सकते थे. अब वो सस्ते सस्ते में खरीद रहे तो उनका जो है प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था हमारे इंडियन क्राफ्ट पर्सन का. तो ऐसे ऐसे जो है दिक्कत हो रही थी. अब उन्हें सस्ते में बेचना पड़ा तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी सस्ते में ले बेच रही है आगे, है ना. तो आगे जो जब उन्हें वही चीज़ सस्ते में मिलेगी तो वो दूसरे क्राफ्ट पर्सन से क्यों खरीदेंगे. तो दिस वॉज समथिंग विच वॉज अ द मेन पॉलिसी ऑफ यूरोपियंस. तो ये जो है ऐसे उन्होंने अपना ट्रेड जो है शुरू किया. अब आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे. बहुत सारी हमने बातें कर ली, सब कुछ देख लिया, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं बिकॉज क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो एनसीईआरटी के मेन बेसिक मेरा अराउंड मैं व्हेन आई स्टे व्हेन आई टीच व्हेन आई एम बेसिकली मोर टुवर्ड्स एनसीईआरटी, ठीक है. क्योंकि आपका जो है सिलेबस सारा एनसीईआरटी वाला ही होता है. जो एनसीईआरटी फॉलो नहीं भी करते हैं उस वो भी यही चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है. और अगर वो ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे तो उनको अपना भी कुछ में समझ में नहीं आएगा, राइट. सो एनसीईआरटी पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक बेसिक बुक है जो ऑल ओवर इंडिया जो है फॉलो की जाती है, ठीक है ना. तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपकी कोई भी अगर एक्स्ट्रा बुक भी है तो उसमें ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो छूट जाए, ठीक है ना. ये गारंटी है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा हो ही नहीं सकता उसमें जो आपका छूट जाए जो एनसीईआरटी में मेंशन ना हो. एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो ट्रस्ट मी इट्स नॉट इवन इम्पॉर्टेंट, ठीक है. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स इज द फर्स्ट दिस द राजा राजेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट इन, कहाँ पे जो है बिल्ट हुआ था. तो यू कैन राइट थंजावुर, ठीक है ना, थंजावुर में बिल्ट हुआ था. अजमेर इज एसोसिएटेड विद द सूफी सेंट, यहाँ पे आप लिख सकते हो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये है सेंट जिनकी वजह से आपको क्या देखने को मिला, पूरा जो है रिलीजियस को एग्जिस्टेंस देखने को मिली इनके पास जो है एडवाइस के लिए. ऑल ओवर वर्ल्ड से हर रिलीजन से लोग आते थे तो अजमेर में बेसिकली इनका ये जो है सेटल थे, ठीक है ना. हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ, हम्पी किसकी कैपिटल थी. तो हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर, ठीक है. विजयनगर आप कह सकते हो, विजयनगर कह सकते हो, विजय यू वॉन्ट. सो हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर, ठीक है ना. द डच एस्टैब्लिश्ड अ सेटलमेंट एट डैश इन आंध्र प्रदेश, ठीक है. आंध्र प्रदेश के कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट पे जो है डच जो लोग थे वो आए थे. तो डच वर जर्मन पीपल एंड द पीपल फ्रॉम नेदरलैंड्स, ठीक है ना. तो दैट वॉज मसूलीपट्टनम, योर वेरी फेमस मसूलीपट्टनम. नेक्स्ट वट यू हैव इज आई एम नॉट राइटिंग द आंसर बिकॉज माई मेन मोटिव इज टू एक्सप्लेन यू गाइज, ठीक है ना. आप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप खुद लिख सकते हो. आई टोल्ड यू एवरी ईच एंड एवरी आंसर, यू कैन राइट इट विद योर ओन माइंड. सब कुछ पका पकाया नहीं मिलेगा, राइट. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, सो आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं. वी नो द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द राजा राजेश्वर टेम्पल फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन, सो दिस इज ट्रू, ठीक है ना. हमें वो उस राजा का पूरा राजा राजेश्वर केरुपथचलम समथिंग लाइक दैट वाज द नेम ऑफ दैट किंग. तो ये जो है हमें उनके इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है, ठीक है. वो इतना बड़ा सा नाम उनका है ना, वो कहाँ से हमें पता चला है, वो इंस्क्रिप्शन से ही पता चला है. देखो हमारे रिकॉर्ड्स जो है वो जो भी लोग इंडिया में आए उन्होंने इन्वेड किया, लूटा, खसोटा, सब कुछ किया और उन्होंने हमारे जो है रिकॉर्ड्स, हमारी हिस्ट्री, सब कुछ जो है बर्बाद करके रख दिया, ठीक है. इंडियन रूलर्स का कोई भी कहीं पे भी आपको मेंशन नहीं मिलेगा. इतने महान महान रूलर्स रहे सिसोदिया डायनेस्टी के, मारवाड़ डायनेस्टी के राठौर राजपूत इतने जो है आपके रहे, ठीक है ना. उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है और उसके पीछे कारण यही है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो ख़राब कर दी गई थी, हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो ख़राब कर दिए गए थे. किसने किए, मुगलों ने किए खूब जम के, ठीक है. दिल्ली सल्तनत के रूलर्स आए, उन्होंने बहुत जम के खराब किए. इवन ब्रिटिशर्स डिड दैट, ठीक है ना. उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हमारे जो है रिकॉर्ड्स खराब किए बिकॉज दे वांटेड कि इंडिया को जाना ही हमसे जाए, ठीक है ना. मुगलों ने तो खूब ही किया, ठीक है. तो वो जैसे जैसे कोई मंदिर होता था तोड़ दिया जाता था, ठीक है. उस कोई मूर्ति होती थी, कोई बुक लिखी गई है उसको जला दिया, ठीक है. लिटरेचर्स कोई है, कोई इंपॉर्टेंट बुक है. अब हमें अकबरनामा हमें पता है, तीन तीन वॉल्यूम्स है सारी बुक में, ये भी है, ये भी है, ये भी है. वाई डू वी नो दैट, वाई डू वी नो दैट, वी नो दैट बिकॉज अकबर ने पूरा संभाल के रखा था. उनका पूरा अच्छा रोल, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चला, सब कुछ चला. उनके बाद ऐसा कोई इतना ज़्यादा वो नहीं आया जिसने, मतलब ब्रिटिशर्स आए बट दे डिड नॉट वॉन्ट कि इंडिया की हिस्ट्री जो है वो ख़राब हो, ठीक है. वो चाहते थे, उन्होंने किया भी, बहुत बहुत कबाड़ उन्होंने भी किया,
लेकिन उनका उनका बेसिकली वो डिप्लोमैट थे, वो चाहते थे कि हिस्ट्री अगर अगर वो चाहते तो क्या करते, ताजमहल को कबाड़ कर देते। ठीक है, उन्होंने थोड़ा बहुत किया भी, लेकिन उनको पता था कि ताजमहल एक बहुत अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है इंडिया में, है ना, तो उससे पैसा आएगा। पैसे किसको मिलेगा? हमें ही मिलेगा, क्योंकि हम ही रोल कर रहे हैं। तो देवर मोर काइंड ऑफ अ दैट पर्सन, और मुगलों का यहाँ पे कोई ऐसा रोल था नहीं, तो उन्होंने बहुत अच्छा जो भी मंदिर जो भी स्टेट वगैरह जीतते थे, किसी भी राजा पे जीत हासिल करते थे, तो वहाँ पे उनको जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह मिलता था सब कूड़ेदान में फेंक के जला वला देते थे, और उन्होंने मतलब लगभग रिकॉर्ड सारे ही खराब कर दिए थे, है ना। तो बेसिक कुछ कुछ जो हमारा बच गया, मैं ये कहानी क्यों सुना रही हूँ ट्रू फॉल्स में, मैं इसलिए सुना रही हूँ कि हमारा जो थोड़ा बहुत बच गया है कि राजा राजेश्वर टेम्पल जो है कौन से राजा ने बनवाया, तो थोड़े बहुत जो टेम्पल्स बचे हैं उस टाइम के, ठीक है ना, थोड़े बहुत टेम्पल जो नहीं तुड़वाए, जो नहीं टूटे, ठीक है ना, उनकी कृपा रही उस चीज पर, उन्होंने नहीं तुड़वाए, तो उन्हीं उनकी दीवारों में गड़े हुए हैं नाम, ठीक है ना, उनकी इंस्क्रिप्शन है दीवारों में। अब रिकॉर्ड्स है वो तो फेंक फाक दिए, जला जुलू दिए, कौन संभाल के रखेगा, राइट, वो अपना चाहते थे अपना संभाल के रखते, राइट। अब हम किसी घर में जा रहे हैं नए घर में, तो वहां पे कुछ पुराना रखा है जो हमारे यूज का नहीं है, तो हम फेंक ही देंगे। ऐसे ही उनका उन्होंने घर पे कब्जा करा एक तरीके से, तो उनके यूज का नहीं लगा, उन्होंने फेंक दिया, तो यही चीज चलती आ रही है। तो अब जो जिन जो जो टेम्पल्स बच गए, ठीक है ना, वहां पे राजा का जो है इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, कोई मैसेज लिखा हुआ है, तो वहां से हमें थोड़ा बहुत जो भी अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अदरवाइज बाकी हम राजस्थान और कहीं और क्या जो है रूलर्स के बारे में उतना ज्यादा नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या आता है, सो हाँ, तो दिस इज ट्रू, ठीक है, फर्स्ट वन इज ट्रू ऑब्वियसली, मर्चेंट्स प्रेफर टू ट्रैवल इंडिविजुअली रादर दैन इन कारवान, तो ये बहुत ही गलत है, दिस इज फॉल्स, ट्रू, बिल्कुल एकदम फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मर्चेंट्स जो है वो ट्रैवल करते थे गिल्ड्स में और कारवान में। ऐसा क्यों होता था? बिकॉज वो चाहते थे कि सेम ग्रुप सेम इंटरेस्ट के लोग जो है हमसे जुड़े, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, राइट, अटैक ना हो जाए, ठीक है ना, लुट वुट ना जाए, क्योंकि अब दूसरे देश में जा रहे हैं तो दूसरे देश का पता नहीं है उनको क्या कैसे लोग हैं, ठीक है ना, कहीं हमला ही ना कर दें, लूट के ना ले जाए, उनके पास ज्यादा कुछ होता भी नहीं था। तो दे यूज टू मूव इन ग्रुप्स, ठीक है ना, ग्रुप्स में मूव करते थे, राइट। काबुल वॉज अ मेजर सेंटर फॉर ट्रेड इन एलिफेंट्स, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। क्यों? क्योंकि काबुल जो है प्राइमरीली वहां पे हॉर्सेस का ट्रेड होता था, ना कि एलिफेंट्स का, ठीक है। सो सूरत वॉज अ नेक्स्ट वन इज, सो फर्स्ट वन ट्रू लिख ही देती हूँ मैं, कन्फ्यूज होगी वरना। फर्स्ट वन ट्रू, मर्चेंट्स प्रेफर टू ट्रैवल इन इंडिविजुअली रादर देन कारवान, सो दैट्स फॉल्स, दे यूज टू ट्रैवल इन गिल्ड्स एंड कारवान। काबुल वॉज अ मेजर सेंटर फॉर ट्रेड इन एलिफेंट, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, देर वर हॉर्सेज, ठीक है ना। सूरत वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट ऑन बे ऑफ बंगाल, ये याद रखना, सूरत जो था वो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट था, यहां तक ट्रेडिंग पोर्ट तक करेक्ट है, लेकिन बे ऑफ बंगाल पे नहीं था, बे ऑफ बंगाल पे नहीं था, अरेबियन सी पे था, राइट, अरेबियन सी, इट वॉज टूवर्ड्स वेस्ट एंड नॉट टूवर्ड्स ईस्ट, सो बे ऑफ बंगाल जो है हमारा ईस्ट की तरफ है, सो दिस वॉज, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे ये अरेबियन सी आएगा एंड नॉट योर बे ऑफ बंगाल, समझ रहे हैं। सो पहला ट्रू एंड बाकी रेस्ट ऑफ देम आर फॉल्स। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन आते जा जाते हैं, हाउ वॉज वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ थंजावुर। थंजावुर जब एक हमने बहुत तीन चार सिटीज कुछ ऐसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ी है, थंजावुर के बारे में हमने पढ़ा, कैसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव था, कैसे वो टेम्पल टाउन था, कैसे वो कमर्शियल सेंटर था, ठीक है ना। तो थंजावुर के बारे में पढ़ा, हम्पी, मसूलीपट्टनम और हमारा सूरत के बारे में, तो सूरत वॉज वन ऑफ द वेरी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब वो पूछ रहे हैं कि थंजावुर जो इतनी इंपॉर्टेंट जो है सिटी हो गई थी, इतना बड़ा अच्छा टाउन बन गया था, तो वहाँ पे पानी की सप्लाई कैसे होती थी। पानी की सप्लाई देखो, आपने सुना था कि कावेरी जो है नदी जो बहती थी वो पूरे साल बहती थी, पेरेनियल वाटर रिवर, ठीक है। तो वहां से जो है टैंक्स और वेल्स कनेक्टेड थे, तो वहां से उन्हें वेल्स और टैंक से जो है पानी मिलता था, ठीक है ना। वाटर फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स वाज सप्लाइड टू द सिटी ऑफ थंजावुर थ्रू चैनल्स, राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मूविंग ऑन, हु लिव्ड इन द ब्लैक टाउन्स इन सिटीज सच एज मद्रास। तो देखो, जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन शुरू किया, बिकॉज गोरे है ना, ब्रिटिशर्स जो थे दे हैड दिस, दिस स्किन वॉज लाइटर दैन दोज ऑफ इंडियंस कंपेरेटिवली, तो उन्होंने हमारे हमें नाम दे दिया ब्लैक और खुद को बुलाते थे वाइट, ठीक है। तो ब्लैक उनके लिए गंदा कलर था, मतलब मुझे, मेरा तो फेवरेट कलर है वैसे ब्लैक, एनी वे। सो हु लिव्ड इन द ब्लैक टाउन, सो ब्लैक टाउन्स में इंडियंस रहते थे, नेटिव्स रहते थे, और मर्चेंट्स क्राफ्ट पर्सन जो थे, आर्टिसंस जो थे, उनको रोका जाता था इन ब्लैक टाउन्स। उनके लिए मतलब जो ब्लैक टाउन्स में बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग वाला काम होगा, मेहनत वाला काम, व्हाइट वाला जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम रहता था, ठीक है। तो ब्लैक टाउन्स, मर्चेंट्स, आर्टिसंस, नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन लिव्ड इन द
ब्लैक टाउन्स बेसिकली इंडियंस, इंडियन ट्रेडर्स, राइट, इंडियन ट्रेडर्स, ट्रेडर्स, आर्टिसंस, क्राफ्ट पर्सन, एवरीथिंग, ठीक है, राइट. सो ये जो लोग थे, इंडियंस जो लोग थे, इनको उन्होंने रखा था ब्लैक टाउन्स में. ग्रेट. वाई डू यू थिंक टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स? बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है. आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि क्यों जो है टेम्पल्स के अराउंड, मंदिरों के अराउंड जो है टाउन्स डेवलप करते थे, अर्बनाइजेशन जो है वो होता था. अभी क्यों होता था ये आपको क्वेश्चन पूछना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. जिस भी टीचर को ये क्वेश्चन दिखेगा वो छपाक से उठाएगी और आपके एग्जाम में दे देगी, ठीक है ना. हो सकता है लैंग्वेज चेंज करके दे दें, लेकिन पूछेगी जरूर. तो क्यों होता था? बिकॉज वहाँ पे आर्टिसंस आते थे, ठीक है ना, ट्रेड करते थे लोग. अब जैसे मंदिर जा रहे हैं, कोई बाहर से पिलग्रिम आया, ठीक है, तीर्थयात्री आया, उसको चाहिए अब चढ़ाने के लिए चढ़ावा, ठीक है. वो चढ़ाएगा नारियल, वो चढ़ाएगा फूल की माला, उसको ये सब चाहिए. तो उसको ये सब कहाँ से मिलेगा? वो पूरा ढूंढ के आएगा, एक जगह से नारियल लाएगा, एक जगह से माला लाएगा, एक जगह से धूप लाएगा, एक जगह से टीका लाएगा, ये सब करेगा. उससे बेटर क्या है कि बाहर ही, अगर मंदिर के बाहर ही एक बास्केट में उसको सारी चीजें मिल जाएं तो कितना अच्छा हो, नहीं? तो ऐसे ही, यही सोच के, यही स्मार्ट वर्क प्ले करके जो इंडियन ट्रेडर्स थे, उन्होंने अपना क्या किया, टेम्पल्स के अराउंड उन्होंने जो है अपना ट्रेडिंग, वो मार्केट्स जो है स्टार्ट कर लिया. मार्केट स्टार्ट हुई तो पिलग्रिम्स आते थे, मार्केट से सामान लेते थे और चले जाते थे. तो ऐसे जो है थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ. पहले मार्केट का, मार्केट आएगी, मार्केट बनेगी, बड़ी मार्केट बनी तो ज्यादा ट्रेडर्स आए, बाहर से भी ट्रेडर्स आए, वहाँ ट्रेड कर रहे हैं, नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, है ना. तो ऐसे धीरे धीरे जो है चीजें बढ़ती चली गई. सो टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. नाउ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइस दैट दिस इज हाउ एन आंसर इज प्रेजेंटेड, ठीक है. ये एक ऐसे आपको आंसर जो है प्रेजेंट करना है. अब आपसे कोई पूछा जाए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाई डू यू थिंक टाउन्स ग्रो अराउंड टेम्पल्स, आप लिख रहे हो प्रीस्ट, वर्कर, आर्टिसन, क्राफ्ट पर्सन जो है आते थे और अर्बनाइजेशन होता था. आपने इतना लिख दिया, आपको पता है कि होता था, ठीक है, लेकिन आप बता नहीं पाए, ठीक है. टीचर को क्या पता, जब भी आप आंसर लिखो तो ऐसे लिखो कि टीचर को कुछ नहीं आता है. यू हैव टू राइट एन आंसर इन अ वे दैट टीचर डजंट नो एनीथिंग. वो आपका आंसर पढ़ के ही सब कुछ पता लगाएगी, ठीक है. उसको पता है सब, ऑब्वियसली शी इज अ टीचर, शी हैज टॉट यू, बट उस आप आंसर ऐसे लिखो कि उनको कुछ नहीं आता है, ठीक है. तो तब वो जाके जो है इंप्रेस होगी कि ठीक है, बच्चे को पता है एंड ही हैज रिटन वेरी नाइसली. सो टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. अब आपने पूरा एक लाइन लिख दी कि इन फॉलोइंग रीजंस की वजह से जो है वहां पे टाउन जो है वो डेवलप किए, ठीक है, हो गया. नाउ फर्स्ट पॉइंट, प्रीस्ट्स, वर्कर्स, आर्टिसन एंड क्राफ्ट्स पर्सन सेटल्ड अराउंड टेम्पल्स, ठीक है. यहाँ तक समझ में आता है कि वो सेटल हुए. अगर आप चाहो तो खुद से आगे बना भी सकते हो, बिकॉज पिलग्रिम्स यूज टू कम एंड परचेज, ठीक है ना. वो पिलग्रिम्स आते थे, डोनेट करते थे, दे परचेज स्टफ एंड वेंट अवे, ठीक है ना. वो कल्चर भी अपना, इंडियन कल्चर भी लेके जाते थे एंड ऑल दैट. सेवरल शॉप्स कम अप अराउंड टेम्पल्स टू केटर द नीड्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट्स एक्सेट्रा. आ गया इसका एक्सप्लेनेशन, पहला आपने लिखा, इसका एक्सप्लेनेशन दूसरे पॉइंट में आ गया, ठीक है ना. वहां पे दुकानें बन गई. क्यों, कैसी दुकानें बन गई? कि जो पिलग्रिम्स हैं जो आएंगे बाहर से, उन्हें नारियल चाहिए होगा, उन्हें धूप चाहिए होगी, फूल चाहिए होंगे. हम सब उसको, हम क्या करेंगे, हम एक बास्केट में ही वो सब रेडी कर देंगे, ठीक है ना. उनको पूरा का पूरा एक पैकेज दे देंगे, ठीक है. आप 100 रुपए दो और आप ये पूरी बास्केट ले जाओ, आपको ये इन्हीं सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपको अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा. सो वो भी अपना काम बचाते थे, वो 100 रुपए देते थे और ले लेते. तो मैं 100 रुपए का जस्ट एन एग्जाम्पल दे रही हूँ. ऐसा नहीं होगा कि 100 रुपए की आपको बास्केट मिलेगी, 100 रुपए की प्लेट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है. तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन थ्रू द आंसर राइटिंग चीज, कि पिलग्रिम्स और प्रीस्ट, मतलब पंडितों की जो है जरूरत है. पंडित भी पूजा करेंगे, है ना, उनको भी बहुत सारा सामान चाहिए, तो वो सामान जो है वो शॉप से ही ले लेते थे, राइट. उनकी पूरी डीलिंग चलती होगी आराम से, कि आप भी होलसेल में ला रहे हो खरीद के, हम भी ऐसे ला रहे हैं, तो ठीक है आप सस्ते में दे दो, राइट. सो नाउ किंग्स एंड पिलग्रिम्स डोनेटेड इन द टेम्पल. देखो अगर आप चाहो तो इसको और ज्यादा डिटेल में कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, देखो अगर आपका ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा मार्क्स का आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस क्वेश्चन इज जस्ट ऑफ 2 मार्क्स, अगर सिर्फ ये 2 मार्क का है, तो आपको पहले बस ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, या पहले 2 ही पॉइंट्स काफी रहेंगे,
ठीक है ना, अगर आपका एक क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मान लो कि 6 नंबर का आ गया बाय चांस, ये होता है ऐसा, ठीक है। बड़े बड़े एसेज में टीचर्स गिव यू क्वेश्चंस ऑफ 5 और 6 मार्क्स एज वेल। अगर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ गया तो टीचर इज एक्सपेक्टिंग यू टू राइट। तो आप क्या करो, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप 6 पॉइंट्स लिखो, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप शीट भरो, जस्ट एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स, इन इन पॉइंट्स का आप एक्सप्लेनेशन दे दो, वेल एंड गुड, बेस्ट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे, हो सकता है 7 भी दे दें, जस्ट किडिंग। सो इन तीनों को आप एक्सप्लेन कर दो, दैट विल बी गुड। ठीक है ना, कि किंग्स एंड पिलग्रिम्स डोनेटेड इन द टेम्पल, क्यों डोनेट करते थे, क्योंकि उनका श्रद्धा भाव है ना, वही मैं कह रही हूँ कि किंग की तो एक काइंड ऑफ श्रद्धा, उसको शो भी करनी है, डिवोशन। अब किंग आएगा कोई महल में तो राजा देख पूरी जो है जनता देखी कि अरे राजा आया है आज तो महल में, है ना, आज तो टेम्पल देखने राजा आया है, तो मतलब उसको पूरी जनता देख रही है, तो उसकी ड्यूटी भी बन जाती है कि उसकी एक इमेज है राजा वाली, तो वो बहुत कुछ डोनेट करके ही जाएगा, आया है तो, है ना। तो ये चीज, और उसकी ड्यूटी भी है अपनी कैपिटल का, अपनी सिटी का, अपनी पूरी जो भी वो रूल कर रहा है उसका ध्यान रखना। तो अगर टेम्पल में कुछ भी, जैसे मान लो कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ रेनोवेशन होना है, पेंट होना है, ठीक है ना, कोई कुछ झड़ गया है, कोई नई मूर्ति आनी है, कुछ भी होना है, तो उसके लिए किंग भी डोनेट करेगा, क्योंकि इट इज हिज ड्यूटी टू डू दैट। नाउ पिलग्रिम्स आते थे, पिलग्रिम्स भी डोनेट करते थे, वही श्रद्धा वाली चीज, हम मंदिर में जाते तो हम भी कुछ ना कुछ डोनेट कर कर आते हैं, राइट। सो ऑल दिस, ऑल दीज पॉइंट जो है, इन्होंने क्या किया, ये अर्बनाइजेशन लेकर आई। अर्बनाइजेशन मतलब किसी रूरल एरिया को अर्बनाइजेशन करना, मतलब उसको अर्बन एरिया में कन्वर्ट करना, उसमें सारी फैसिलिटीज ले आना, उसका बेसिकली डेवलपमेंट। सो रूरल माने villages, villages का डेवलपमेंट माने अर्बनाइजेशन, ठीक है ना। तो इंडिया में आपको बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा है। सो हाउ इम्पोर्टेंट वर क्राफ्ट पर्सन फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। जो क्राफ्ट पर्सन थे उनका टेम्पल्स बनाने में और उनको मेंटेन करने में कैसे हाथ था। देखो क्या होता था कि जो क्राफ्ट पर्सन होते थे वही मूर्तियां बनाते थे, वही स्कल्पचर्स बनाते थे। तो अब अगर मंदिर है, मंदिर में मूर्ति नहीं होगी तो फिर लोग क्यों जाएंगे वहां, है ना। आई नो कि भगवान जो है सिर्फ मूर्ति में नहीं है, ठीक है, दैट्स अ फीलिंग which you actually intercept kind of thing, है ना। तो वो feeling है, लेकिन अब लोगों के दिमाग में ना, they जब भी वो मंदिर में जाते तो वो एक मूर्ति देखते हैं हाथ जोड़ने के लिए, है ना। तो वो चीज जो है होनी चाहिए थी। तो maintenance of temples में उनका क्या हाथ था, तो what they used to do is वहाँ पे वो मंदिर की दीवारों पे नक्काशी वगैरह करना, ठीक है ना, मंदिर की दीवार, मंदिर की शिखर पे जो है फ्लैग लटकेगा, एक फ्लैग जो है वो फहरेगा, तो उस फ्लैग का कपड़ा बनाना, ठीक है ना, पंडितों के लिए ड्रेसेस वगैरह रेडी करना, तो ये सब जो है क्राफ्ट पर्सन का काम होता था। और ये मेंटेनेंस में भी बहुत ज्यादा जो है हेल्प करते थे, कॉन्टिन्यूसली नई नई मूर्तियां, नई नई स्कल्पचर्स लेकर आना, पेंटिंग्स बनाना, है ना, तो भगवान के अलग 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 डाइटीज के अलग अलग जो है वो पेंटिंग्स बनाना। तो दिस वॉज समथिंग विच वॉज वेरी मच प्रेवलेंट एंड इम्पॉर्टेंट, राइट। सो ये आप जो है ध्यान रखेंगे। नाउ व्हाट इज द आंसर, क्राफ्ट पर्सन वर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। किस रीजन की वजह से इंपॉर्टेंट थे, पहला, दे कैरीड आउट इनले वर्क ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। क्राफ्ट पर्सन फ्रॉम बिदार वर वेल नोन फॉर देयर भितरी वर्क। इनके बारे में हमने डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं ऑलरेडी कि वो कॉपर और सिल्वर में भी बहुत अच्छे से काम करते थे। तो इसकी वजह से कॉपर सिल्वर की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू, मतलब अब सोने की मूर्तियां जो है सबको ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन कॉपर एंड सिल्वर की मूर्तियां जो है वो थोड़ी अफोर्डेबल होती थी, तो उनमें जो है वो उन्हीं से नक्काशी उन्हीं में जो है ज्यादा काम करते थे। गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मेसन्स, कार्पेंटर्स बिल्ड टेम्पल्स, मतलब इन्हीं के जो है सुनार, लोहार, ठीक है ना, पत्थर का काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, यही लोग जो है बिल्डिंग्स बनाते थे। टेम्पल की बिल्डिंग में तो यही काम करेंगे ना, और इन्हीं को एक क्राफ्ट पर्सन कहा जाता है, ठीक है ना, यही लोग जो है क्राफ्ट पर्सन कहलाते हैं, ठीक है। कौन, सुनार, लोहार, ठीक है, ब्रॉन्ज का काम करने वाले, पत्थर का काम करने वाले और लकड़ी का काम करने वाले, ठीक है ना। ये लोग नहीं होंगे तो मंदिर तो बनेगा ही नहीं। सो दैट्स द थिंग। तो आप जानते हैं कि बिल्डिंग में तो कितना ज्यादा, कंस्ट्रक्शन में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सो आप यहाँ कह सकते हो कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, यहाँ पे इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट कंस्ट्रक्शन एज वेल। वीवर्स ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कॉटन टेक्सटाइल। सो वही जो मैंने आपको बताया, वो आपकी पूरी की पूरी जैसे पर्दे बनाने, फॉर एग्जाम्पल, अब बहुत सुंदर बनाना भी है ना मंदिर को अंदर से भी, तो पर्दे बनाओगे, पर्दे किसके बनेंगे, कपड़े के बनेंगे, कपड़े का भी कोई होना चाहिए, तो वीवर्स वर देयर, ठीक है ना। मंदिर की शिखरों पर जो फ्लैग्स लग रहे हैं वो, कोई भी नया फेस्टिवल आ रहा है तो मंदिर सजेगा, तो हो सकता है किसी एक स्पेसिफिक फेस्टिवल पे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिवाली, दिवाली पे मंदिर पे जो है मंदिर के सारे पर्दे जो है नए लगेंगे, तो ये सब चीजें जो है वीवर्स करते थे। तो ये चीजें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी हो जाती है कि क्राफ्ट्स पर्सन कैसे मेंटेन करते थे,
टेम्पल्स को, और बिल्डिंग में उनका क्या हाथ था। तो बिल्डिंग में आपने देखा कि गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ और ये सब जो है आपके कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते थे, और मेंटेनेंस में कौन हेल्प कर रहा है, जो क्राफ्ट्समैन स्कल्पचर बना रहा है, जो मूर्तियां बना रहा है, जो कपड़े की सिलाई वगैरह कर रहा है, ये सब, राइट। वीवर्स का हमने भी देखा था कि दे यूज टू लाइक मेक और वीव किंग्स क्लॉथ एज वेल, ठीक है ना। तो कॉटन के बहुत ज्यादा फाइन टेक्सचर वाले, फाइन डिजाइन वाले जो कपड़े वो राजा के लिए बनवाते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड विजिट सूरत। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सूरत में क्यों आते थे, सूरत में लोग क्यों आ रहे हैं दूर दूर के लैंड से, लाइक यूरोपियन सारी जो है कंपनीज आई, क्यों आई सूरत में, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट जो है वो आ गया, बन गया था इंडिया का, गल्फ ऑफ खंबात में, ठीक है ना। वो एक लगभग कह सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट और ओनली पॉइंट रह गया था, जहाँ से मतलब ओनली पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से जो है ट्रेड हमारा इंडिया में स्टार्ट हुआ था। सूरत वॉज अ गेट वे टू ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाया गल्फ ऑफ ऑर्मूज, माने के वेस्ट एशिया से वेस्ट की तरफ, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया के वेस्ट में जो है हमारी अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीका जो है इंडिया के वेस्ट में है, तो वहां से वो वेस्ट वाली चीजें जो है वो इधर की तरफ आ रहे थे, तो उनका एक जो है रूट बहुत अच्छा मिल गया था उनको, जो सूरत में आके रुकता था, ठीक है ना। अब इंडिया से कोई भी ट्रेड हो रहा है तो वो सूरत से होगा, सूरत से जो है शिप्स जाएंगी, ठीक है ना, कोई भी ओशियन ट्रेड हो रहा है तो। सूरत हैज ऑल्सो बीन द गेटवे टू मक्का बिकॉज मेनी पिलग्रिम शिप सेट सेल फ्रॉम हियर। नाउ मक्का मदीना आपका नाम, आपने नाम सुना होगा, दैट्स इन सऊदी अरब। सो वहां से वहां पे वहां भी जाते थे लोग जो है श्रद्धा भाव से जाते थे पूजा और ये सब करने के लिए, ठीक है ना। तो वहां से वहां पे जाना, सूरत से निकलना होता था उनका, क्योंकि शिप्स वगैरह या तो पैदल जाएंगे, पैदल जाने में बहुत दूर लग जाएगा, है ना, और फ्लाइट वगैरह तो बहुत ही नहीं थी, तो पानी का ही रास्ता बच गया, तो पानी से जाते थे, शिप्स वगैरह से जाते थे। तो वहां भी एक बहुत ज्यादा इन लोगों का भी जो है कह सकते हो कि क्राउड होता था, जो आ रहे हैं और जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक आपका बन जाता है। बिग मार्केट फॉर कॉटन टेक्सटाइल्स, क्योंकि गुजरात एंड महाराष्ट्र दोनों ही कॉटन के बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, तो यहाँ पे जो है कॉटन का बहुत ज्यादा फाइन और बहुत ज्यादा बहुत अच्छा जो है ट्रेडिंग होती थी, कॉटन की टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे बनने लगी, तो बिग मार्केट हो गई कॉटन की, क्योंकि कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, कॉटन के खरीदार ज्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे कॉटन की मार्केट बहुत ज्यादा डेवलप हो गई, तो यहाँ पे भी आते थे लोग कॉटन खरीदने आते थे और जाते थे। There were ample rest houses for the visitors, magnificent buildings and innumerable pleasure parks attracted people from distant places. ठीक है ना, मतलब के क्या बोलना चाह रहा है कि क्योंकि अब जो वहाँ पे राजा है बहुत स्मार्ट है, वो कह रहे हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं, अब बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनको हमें से सड़कों पे तो सुनाएंगे नहीं, तो उन्होंने रेस्ट हाउसेस बनवा दिए उनके लिए, ठीक है ना, बिल्डिंग जो है घर कुछ कंस्ट्रक्शन करा दिए, कुछ शेल्टर के जो है इंतजाम करा दिए, ताकि जो लोग आए तो वो आराम से रेस्ट कर सकें, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, और बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंग्स वहाँ बन गई, क्योंकि सूरत जो है इम्पोर्टेंट हो ही गया था, वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है ट्रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसको दिखना भी अच्छा है ना, वरना अगर दिखेगा नहीं अच्छा तो बिकेगा कैसे, जो दिखेगा वही बिकेगा, काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो वहाँ पे पार्क्स वगैरह बने, सब कुछ बना, इसलिए जो है जो सूरत है वो बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन गया, और वेस्ट की जो कंट्रीज हैं हमारी, वेस्ट की जो कंपनीज थी वो यही को इसी को देखकर जो है अट्रैक्ट हुई थी बेसिकली, ठीक है। तो लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आते थे, दूर दूर से आते थे। इन वट वेज वॉज क्राफ्ट प्रोडक्शन इन सिटीज लाइक कैलकटा डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द सिटीज ऑफ थंजावुर, ठीक है, क्या मतलब है कि कैलकटा में जो सिटीज डेवलप हुई आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी सेटल्ड देयर, तो वो कैसे डिफरेंट थी, वहां के क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे डिफरेंट था थंजावुर से। नाउ सी, थंजावुर में क्या हो रहा है कि थंजावुर जो है वो एक हमारे ही राजा के द्वारा जो है बनाई हुई या रूल करी जा रही कंट्री है। यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन अपने हिसाब से काम करते थे, ठीक है ना, बस उन्होंने जैसे प्रीस्ट ने बोल दिया कि हमें बहुत सुंदर सा जो है पर्दा चाहिए मंदिर के लिए, तो आप जल्दी से रेडी करके दीजिए। तो अब जो क्राफ्ट पर्सन है, जो वीवर है, वो अपने हिसाब से जो है अपना मनपसंद कोई भी कलर जो उसको सही लगता है कि ये सही लगेगा मंदिर में, तो वो उस हिसाब से जो है अपने पूरी श्रद्धा भाव से अच्छे से उसको बना के देता था। वेयर एज व्हेन इफ यू टॉक अबाउट कैलकटा, कैलकटा में उनको इतनी छूट नहीं थी, जैसा डिजाइन जैसा पैटर्न ब्रिटिशर्स बोलते थे, जैसा डिजाइन ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती थी, उनको वैसा ही बना के देना पड़ता था, और जो है उनको अपना डिजाइन लाने की आदत कह सकते हैं कि मतलब अपना डिजाइन जो है वो नहीं बना पाते थे, तो दिस वॉज वेरी टफ, राइट। ऑल्सो मतलब कह सकते हो वीवर जो क्राफ्ट पर्सन है ना, मतलब कि उसके अंदर कोई कला है, वो कला ही नहीं रह गई है,
कैलकटा में आप देख सकते हो। थंजावुर में वो अपनी कला का बेस्ट उपयोग करके जो है बेस्ट अपना प्रोडक्ट जो है वो लाके देगा, चाहे महंगा बेचे, है ना, चाहे महंगा बेचे वो, लेकिन अपना बेस्ट देगा, ठीक है ना। क्यों देगा? क्योंकि उसका मन है, ठीक है, उसकी अपनी कंट्री है, वो चाहता है कि अच्छा रहे, उसको पैसे भी मिल रहे हैं उस हिसाब से, है ना, तो वो देगा। नाउ वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट कैलकटा, व्हाट हैपेंड इन कैलकटा, कैलकटा में वो क्या कर रहे थे कि वो उनको ऑर्डर दे रहे कि आप इसी डिजाइन का, इसी कलर का, इसी कपड़े का आप हमें ऐसा डिजाइन बना के दोगे और इतने ही पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो वहां पे जो है उनकी आजादी खत्म थी, यहाँ पे देवर फ्री। सो थंजावुर में देवर डूइंग देयर ट्रेड फ्रीली, और वहां पे उनका जो है लेन देन, उनका ट्रेडर, उनका क्राफ्ट जो है वो खत्म हो गया था। देवर नाउ जस्ट वर्किंग अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो दिस इज समथिंग विच वॉज डिसहार्टनिंग, विच वॉज सैडनिंग, ठीक है ना। तो ये आपका एक बेसिक डिफरेंस है कि थंजावुर वॉज फ्री, this was free, I'm really sorry, this was free and this was different, ठीक है, मतलब इसमें जो है this was under East India Company, right? Moving on, why did the Dutch and English East India Companies attempt to control Masulipatnam? मतलब कि जो Dutch और East India Companies थी वो एक second मसूलीपट्टनम को क्यों कंट्रोल करना चाहती थी, दिस इज द क्वेश्चन। द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्ट टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम बिकॉज मसूलीपट्टनम बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्रा कोस्ट। देखो सूरत में जो है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया था, अब दे वॉन्टेड कि एक ऐसा पोर्ट हमें मिले जिसमें कॉम्पिटिशन कम हो, सो दे शिफ्टेड टू मसूलीपट्टनम। ग्रेट, नाउ जस्ट अ सेकेंड, गिव एन अकाउंट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी। हम्पी के आर्किटेक्चर के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है ना, तो उसके आर्किटेक्चर की बात हो रही है। सो क्या बात है कि आपसे पूछा है कि उसके आर्किटेक्चर के बारे में बताओ, तो सबसे पहले तो एक बहुत ही अच्छी फोर्टिफाइड सिटी थी, ठीक है ना, फोर्टिफाइड कह सकते हो, फोर्टिफाइड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड, फोर्टिफिकेशन होना मतलब कि दीवारें, फोर्ट के अराउंड दीवारें बहुत अच्छी बनी हुई थी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना, बाहरी अटैक वगैरह से, तो बहुत ही अच्छी एक फोर्टिफाइड सिटी थी। ना कोई सीमेंट यूज किया था, बस इंटरलॉकिंग वाली टेक्निक से जो है पूरा रेडी किया हुआ था। द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्चेस, डोम्स एंड पिलर्ड हॉल्स विद निचेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स। माने के बिल्डिंग में जो है बहुत बड़े बड़े हॉल्स होते थे, आप हम सब कुछ डिस्कस करके आ चुके हैं, बड़े बड़े हॉल्स, बड़े बड़े डोम्स होते थे, आर्चेस आप जानते हैं कि ऐसा कुछ डिजाइन, ठीक है ना, आर्चेस बड़े बड़े लंबे लंबे आर्चेस, राइट, जस्ट अ सेकेंड, ओके। दे हैड ऑल्सो वेल प्लान ऑर्चर्ड्स एंड प्लेजर गार्डन्स, ऑब्वियसली ऑर्चर्ड्स वहाँ होते थे, ठीक है ना, बड़े बड़े गार्डन्स उन्होंने बनाए थे फॉर दी पर्पज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, कुछ बना है आर्किटेक्चर जो कुछ भी उस मंदिर के अराउंड बन रहा है, वहाँ मंदिर भी बहुत ज्यादा थे, तो दे वॉन्टेड कि पीपल आए और जो है इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट एज इन वही अर्बनाइजेशन का जो चक्कर है वो चल रहा था, उसके हिसाब से उन्होंने ऑर्चर्ड्स और गार्डन्स वगैरह बनाए, ठीक है ना। How did the European companies gain control of the sea trade? तो उन्होंने basically naval शक्ति अपनी इस्तेमाल की, army वाली चीज़, उन्होंने इससे जो है sea trade पे control किया, they had weapons, they had everything, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम थोड़े से डगमगा जाते हैं, हम हर बार हारे इसी चक्कर में, मुगलों से भी हम इसी चक्कर में हारे, और इंडियन यूरोपियन कंट्रीज भी से भी जो है हमारा कंट्रोल इसी वजह से गया, क्योंकि दे हैड दोज वेपन्स एंड पावर एवरीथिंग जो कि इंडियंस के पास उस टाइम नहीं थी। सो दिस वॉज अबाउट टूडेज लेक्चर, आई होप यू गाइज इन्जॉयड इट, ठीक है ना, मुझे तो बहुत मजा आया पढ़ाने में, हिस्ट्री इज वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आगे भी मिलते रहेंगे बहुत अच्छे अच्छे नए नए चैप्टर्स के साथ, सब कुछ कवर करेंगे, नथिंग विल बी लेफ्ट एंड सारा आपको सिंप्लीफाई करके मिलेगा। सो दिस वॉज अबाउट टूडे, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट, ठीक है, और बार बार देखो, समझो अच्छे से, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज एनी कोर्स यू कैन यूज माई कोड ऋषि10 एंड गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% इंस्टेंटली, ओके। सो सी यू गाइज, टेक केयर टिल देन, बाय बाय।